सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाशिम महमूद। ये जाल पे कबूतर बैठ रहा है जी, नीले रंग लगे हुए इसको दोनों साइडों पे जनाब, फुल टाइम कलरों में डूबा हुआ है कबूतर जनाब, धूम इसकी आधी आधी है, कलर इसको लगे हुए हैं। तो ये देखें, ये आया हुआ जी बैठने पे, आ रहा नज़र, ये देखें मैं आराम से बैठा हूँ। कबूतर आपको पता आते रहते हैं ना, जाल पे बैठते रहते हैं, मैं बैठा हुआ था। अभी सुबह का टाइम है, अभी दाना शाना डाला कबूतरों को, तो कबूतर आ गया। मैं कहा चले वीडियो भी बना लेते हैं आप दोस्तों के लिए। ये देखिए एक हाइट पे खड़ा हो गया आगे, ये खड़ा हो गया जी, ये देखिए ये है 10 कबूतर है जी। आपको मैं पूरा जूम करके दिखाऊँ, आपको उड़ता हुआ पूरा ही नज़र आई है, देखिए ये उड़ा, ठीक है। मैं बल्कि नीचे जाके ना बैठ वीडियो बनाता हूँ, वहाँ से जरा वीडियो का मज़ा आता है यार। लें दोस्तों, ये वो लुंडा कबूतर है जो कि मैंने आपको आसमान में दिखाया था, और ये जो है कल की वीडियो थी जो मैंने बनाई थी, आसमान में ये घुमा हुआ था पर नहीं बैठ सका था। पर नेक्स्ट डे जब मैं अब ऊपर आया हूँ छत पर दाना शाना डाल लें, तो मैंने देखा ये जाल पे बैठा हुआ, मैंने कहा वाह ये तो कल आया था और आज ये सुबह मेरे जाल पे बैठा हुआ, तो मैंने इसको पकड़ लिया जनाब। तो मैंने कहा चलें आपको इसका शौक भी करवाते हैं, अच्छा कबूतर लग रहा है वैसे देखने में। तो एक दिन आया पर वो मिस हो गया, मतलब कि बैठा ही नहीं, लंबा चला गया, तो दोबारा आसमान में मुझे नज़र आया बड़ी हाइट पे था। तो अब ये जो है अगले दिन आया है और आके मेरे जाल पे जो है लैंड हो गया। अच्छा एक ये है और दो और मैंने पकड़ी हैं, टोटल तीन कबूतर पकड़े हैं, तीनों का शौक करवाता हूँ आपको इसी वीडियो में ना, टोटल तीन पकड़ी हैं तो तीनों ही इसी वीडियो में दिखा देता हूँ आपको। लें जी ये देखें कैसा है, वैसे कमाल है, इसको कलर लगे अच्छा मुलायम बहुत ज़्यादा कबूतर, रेशम है पूरा, हाथ से फिसल रहा है कबूतर मेरे। ये देखें जी ये पल्ला पार इसके सारे नहीं आए हैं, ये लें जी अभी पार पूरे भी नहीं हुए, आखिरी 10वीं कली देख लें छोटी है, बाकी पार आ रहे हैं। ये इसको सारा, ये आपको उड़ते हुए भी नज़र आया होगा, पूरी दोनों तरफ नीले रंग लगे हुए इसको, यहाँ से भी ये देख लें अभी इसके पार जो हैं पूरे हो रहे हैं। दुम ये देख लें स्लेटी कलर की दुम ला रहा है, और दुम अभी छोटी सी है, अभी लार है, दुम बाद में खिंची होगी ना। लें जी ये इसके पंजे, पंजे भी अच्छे हैं, खुश्क पंजे हैं, ठीक है पंजों का भी, हड्डी भी ठीक है, जोड़ हल्के से मामूली से खुले हुए हैं, ठीक है जी। नंबर एक हो गया ये कबूतर, एक और कबूतर दो जो पकड़े हैं वो भी आपको दिखा। अच्छा इसको ये देखें जी डबल शेड में कलर लगा हुआ है, मतलब डबल नहीं चार शेड में कलर लगा हुआ है ये। आपको मैं ज़रा कबूतर को हाथ में पूरी सेटिंग से ज़रा पकड़ लूँ। लें जी ये इसका कलर ज़रा चेक कीजिएगा, ये देखें ये इसको पुराना कोई ऑरेंज कलर लगा हुआ उसके ऊपर ये नीला लगाया, इधर पीछे जो है पुराना कोई ग्रीन सा कलर है उसके ऊपर इन्होंने कलर लगाया, ठीक है जी। नंबर एक कबूतर हो गया ये जो कि हमने पकड़ा। अब आपको मैं अंदर से और, रुक जाओ और पीस ला के दिखाता हूँ जनाब। लें दोस्तों दूसरा कबूतर जो है वो ये है जो कि पकड़ा है, और बड़ा ही शानदार कबूतर है ये भी, अच्छा कबूतर है, मतलब कि बड़ा प्रवादी कबूतर है। और ये चेक करें जी इसकी आँख दिखाता हूँ। लें जी ये इस कबूतर की आँख है, ये चेक करें पलके देखिए, आंख देखिए, रिंग शिंग हर चीज़ ओके है, परफेक्ट है। आपको मैं इसका कलर दिखाता हूँ कबूतर का, कलर बड़ा प्यारा है इस कबूतर का, क्रॉस में बना हुआ कबूतर है, बेसिकली उड़ने के लिए बनाया हुआ कबूतर है। लें जी ये देखिए चेक कर रहे हैं, ये अंदर से दो पर इसके पता नहीं कटे क्यों हुए हैं, काटे हुए हैं अगलों ने दो पर। पल्ला देखें इसका कितना शानदार लगा हुआ, बगल भी अच्छी है, ये इसको कलर लगे हुए हैं एक तरफ, और ये इसका दूसरी साइड का पल्ला यहाँ से भी देखें, ये दो पर कटे हुए हैं, अगले उन्हें कटे हुए परों में उसको उड़ा दिया जी, ये देखें। और टेल शेल भी अच्छी है, जोड़ भी इस कबूतर के जो है बंद है बिल्कुल, और ये इसके पंजे देखें कैसे गहरे, और ये इसको सीने पे भी कलर लगा हुआ है। चलें इसका कलर भी आपको दिखाते हैं जी, और ये देखें कबूतर आपको पता हमारे पास आते रहते हैं। लें जी ये देख लें, और रुक जाइए, लें जी ये पूरा कबूतर आ गया, कलर देखे क्या शानदार इसको लगाए हैं नीचे, ग्रीन कलर पूरे, ठीक है दोस्तों। ये हो गया आखिरी पीस, वो भी ला के दिखाता हूँ जो पकड़ा हुआ एक और, क्योंकि आपको पता है जाल पे कबूतर हमारे आता ही बड़ा, गिरता ही बहुत है यहाँ पे। तो लें दोस्तों ये लास्ट कबूतर है जी जो कि हमने पकड़ा है, तीसरा, और ये टेडी क्रॉस में से बना हुआ कबूतर है, बेसिकली ये टैडियों में से बना हुआ कबूतर है। ये देखिए मुझे पर हल्का सा ये बीमार लग रहा है कबूतर ना, देखने में ना मुझे इसकी फीलिंग आ रही है कि बीमार। अच्छा जी इसके ये देखें ये पार आ रहे हैं, इसकी भी अभी 10वीं कली छोटी है, और अगलों ने इसको उड़ाया जी, इन्होंने कहा अगलों ने चलो जी उड़ो, और वो उड़ा तो फिर उसने सलामी दे दिया। यहाँ से भी देखें 10वीं कली आ रही है,
तो कम कम परों में कबूतर उड़ाएंगे तो उन्हें घर को सलामी दे देनी है, उन्हें कहना मैं जा रहा हूँ भाई अगले घर, वैसे नहीं उड़ा जाता इन परों में। ठीक है, यही सीन हुआ भाई। ये देखें, इसको ये कलर नीले लगे हुए हैं। ठीक है जी, ये कबूतर थे जो के पकड़े थे, आपके साथ मैंने शेयर कर दिए हैं। तो जो दोस्त मेरे चैनल पे नहीं हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए मैं बड़े मजे मजे की वीडियोस कंटेंट लेके आता रहता हूँ। और ये आपको पता है कबूतर आनी जानी चीज़ है, इनकी कोई टेंशन नहीं, ये शुगल तो लगे ही रहते हैं ना छतों पे, तो इस चीज़ की टेंशन ही लेनी। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो में। तो जिन दोस्तों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर लें, बेल आइकन को पे क्लिक कर लें। और आपको एक मज़े की चीज़ कहूँ, इस टाइम भी जाल पे कबूतर बैठ रहा है, आपको वही दिखाता हूँ, चलें क्या याद करेंगे। ये लें जी, ये देखें जाल पे कबूतर बैठने पे आया हुआ, कहाँ गया, लाल रंग लगे हुए थे, अभी आया था, अभी मुझे नज़र आया बैठते हुए, एकदम नजर गायब हो गया। कहाँ गया, लंबा हो गया कहीं, बिल्कुल जाल के नज़दीक आ गया था वो कबूतर, तो वो है, वो जा रहा है, वो देखे, वो जाल के पीछे पीछे वो जा रहा है, उसको लाल रंग लगे हुए। ठीक है, ये शुगल लगे रहते हैं दोस्तों छतों पे, ये आपको पता है ना, आनियाँ जानियाँ इनकी तो लगी रहती हैं छतों पे, इन चीज़ों की टेंशन ही लेनी। ये है जी, लाल रंग लगे हुए कबूतर, ये बैठ रहा था मेरे जाल पे अभी ना, ये वाला, ये देखे। ठीक है जी, तो ये शुगल बने हुए हैं छतों पे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो में, तो तब तक के लिए फी मान ला।